कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने आज मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल के सहारे रियासत के वजीर आला केसीआर पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इलाहदा तेलंगाना तश्कील के वक्त जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां पेश की थी वो इसलिए नहीं की थी कि मसाइल से भरपूर रियासत मिले, बल्कि एक बेहतर और साफ शफाफ और सुनहरा तेलंगाना के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की। मगर मौजूदा वक्त में आए दिन तेलंगाना कोई ना कोई मसाइल से दो चार होता रहता है। कभी तलबा अपने मसाइल से दो चार होकर खुदकुशी कर लेते हैं तो कभी रोजगार से महरूम अफराद अपने परेशानी का इजहार करते हैं। और अब आरटीसी मुलाजमीन का मसला जेरे बहस है। उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात पर रियासती हुकूमत से गुजारिश की है कि वह आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात पर तवज्जो दें। ये आरटीसी का स्ट्राइक शुरू होकर अभी तक 27 डेज हो गया है। अभी तक जो है सीएम जो है इसके ऊपर जो है कोई खबर नहीं दे रहा था। ये हम तेलंगाना के लिए 1969 में एक 369 मेंबर जो है जब मारा गए थे पुलिस फायरिंग में, उसके बाद सेकंड मोमेंट में 1200 स्टूडेंट्स जो है सेल्फ सुसाइड कर लिए थे। उसके बाद अभी एजुकेशन के लिए इंटर स्टूडेंट्स एक 25 मेंबर्स, अभी जॉब्स के लिए और आरटीसी कॉरपोरेशन को सेफ गार्ड करने के लिए अभी जो नियरली 15 मेंबर्स मर गए, उसमें 3 लोग सुसाइड भी कर लिए। इसके लिए तो हम लोग तेलंगाना के लिए फाइट नहीं कर रहे थे, जो अपना तेलंगाना होना था, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना था, लेकिन जो हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। अभी जो तेलंगाना आरटीसी वाले जो शुरू करे थे उसमें उन लोगों का कोई सैलरीज बढ़ाने के लिए नहीं है, उसमें मेन जो है आरटीसी को जो मर्ज करने के लिए, आरटीसी को प्रोटेक्शन करने के लिए उनका जॉब्स के लिए अभी तो 10 तारीख 15 तारीख सैलरी जो दे रहे, पहली तारीख देना और हमारा जॉब सिक्योरिटी होना, मेडिकल फैसिलिटीज होना और लेडीज के लिए टॉयलेट्स अच्छे होना, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। और गवर्नमेंट में मर्ज करने के लिए, ये जो मर्ज करने का सोल्यूशन भी 2013 में किरण कुमार गवर्नमेंट जब थे वही टाइम में इसका जियो भी निकला था, 951 जियो लक्ष्मी पार्वती सारदी के साथ, उसी के बारे में उन लोग कर रहे थे। और बाजू जो स्टेट है जगन भी कर दिए थे, तो उसके बारे में करने की क्या प्रॉब्लम है हमारे को तो समझ में आया। इसमें एक ही समझ में आ रहा कि केसीआर जो इसका प्रॉपर्टीज जो बेचना चाह रहा है, आज अभी ऑलरेडी एक 45 पेट्रोल पंप जो एक ही आदमी को जो दिया, वो आदमी है कविता के रिलेशन, और एक पसनूर देकर 5 एकड़ जमीन दे दिया और दूसरे एरियाज में लैंड्स भी दे रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए देख रहा है, हम बोलते हैं भाई प्राइवेटाइजेशन करे तो पूरा स्मैश हो जाएंगे आरटीसी। इससे पहले जो आरटीसी चल रहे थे उन्होंने जो दिवाकर ट्रैवल्स और केसीनेन ट्रैवल्स के बारे में बोले थे, दिवाकर ट्रैवल्स वाले टैक्सी ना भर रहे थे उन लोग, प्राइवेट जब ट्रैवल्स चलाते